कौन था? तुम्हारे लिए किसी की कॉल आई थी, चेक करो। फोन काट दिया। आपकी आवाज सुन ली ना, इसीलिए अब कॉल रिसीव नहीं कर रहा, इसीलिए मैं रॉन्ग नंबर से कॉल नहीं रिसीव करती। हैरत की बात है, पता नहीं क्यों बड़ी जानी पहचानी आवाज लग रही थी। ये लोग भी ना, एक बार किसी फीमेल की आवाज सुन ले तो मुसलसल डिस्टर्ब करते रहते हैं। कभी कभार फीमेलियर आवाजें भी डिस्टर्ब करके रख लेती हैं। आप कहाँ किसी की आवाज से डिस्टर्ब होंगे। अच्छा कॉफी पिए ना, मैंने अपने हाथों से बनाई। क्या हुआ, केक खाए बगैर ही चले गए? पता नहीं मामा, अचानक से चले गए। सारा, मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की थी, ये बिहेवियर टॉलरेट करना बहुत मुश्किल होता है। दैट्स नॉट हिज बिहेवियर मामा, वो तो बस अचानक किसी बात से परेशान होकर निकल गए। परेशानियां हमारे साथ उम्र भर रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि हमारे इर्द गिर्द वाले उससे सफर करें। मामा, आपने कितने प्यार से केक बेक किया था और वो रुके भी नहीं। ऐसी बात नहीं है मामा, वो तो अचानक मेरे नंबर पर किसी की कॉल आई और वो नहीं। राय, मुझे इतने कंजर्वेटिव तो नहीं लगते। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आपके फोन पे कॉल आना उन्हें बुरा लगता तो आपसे कह देते। ये तो कुछ और ही है। कुछ और क्या? आपको याद है मंगनी के बाद हाजरा ने आपसे क्या कहा था? मामा, मैं ठीक कह रही हूँ। कुछ लोग अपने माजी में ही रहते हैं, माजी को पीछे नहीं छोड़ पाते। राहत भी उन्हीं में से है। प्लीज थिंक अबाउट इट।